नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो आज का जो विषय है चर्चा करने के लिए वो ये है कि गुजरात में पांच लाख लोगों का नौकरी जा सकता है नमक के क्षेत्र के अंदर तो क्यों मन रहा है पांच लाख लोगों पे नमक के क्षेत्र का संकट आइए जानते हैं इस वीडियो में आपके साथ पर उससे पहले मैं चाहता हूँ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ फिर चाहे वो कर रहे हो यूपीएससी की स्टेट पीसीएस एसएससी बैंकिंग रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की तो जब भी हम बोलते हैं किसी भी गवर्नमेंट की जिससे सॉरी हम कभी बोलेंगे इकोनॉमी जिससे इफेक्ट होगी क्योंकि यहाँ पे क्या है जॉब जाने से इकोनॉमी ही क्या होगी इफेक्ट में आएगी तो इकोनॉमी पे जब भी हम इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड इशू की बात करते हैं तब हमारा जो पेपर सामने आता है वो आता है पेपर थ्री तो आपका था हिंदू के अंदर में साथियों आया हुआ था कि जो शॉर्टलिंग सेक्टर है उसके अंदर में क्राइसिस आ रहा है अब ये टॉपिक एज अ बहुत बच्चे लोकल न्यूज समझ के या इसको अलग तरीके से समझ के छोड़ देते होंगे लेकिन यह समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी इसी सब चीजों से सवाल ज्यादा पूछता है तो इस केस में क्या है सॉल्ट सेक्टर में क्राइसिस क्यों है पांच लाख लोगों की नौकरियां खतरे में आइए जानते हैं पर उससे पहले वर्तमान में जो हमारे भारत में सॉल्ट का जो प्रोडक्शन है क्या है नहीं है पहले ये एक ओवरव्यू ले, ले लेते हैं तब आपको इश्यू समझने में ज्यादा आसानी होगी तो सॉल्ट इंडस्ट्री की बात करें साथियों तो हम लोग सॉल्ट इंडस्ट्री का बहुत ही ह्यूज डिमांड है ठीक है लेकिन इस डिमांड में क्या है? प्रॉब्लम है कि जो डिमांड है वो तो कॉन्स्टेंट है लेकिन सप्लाई कम है ओके दूसरी बात अगर हम इतिहास की कुछ बातें को उठाएं तो पहले जब सॉल्ट खरीदा जाता था तो वो सत्रह रुपये पर मैट्रिक टन में, में खरीदा जाता था लेकिन वो धीरे धीरे सत्तर मैट्रिक टन पहुंच गया 1991 तक में तो इसमें प्रॉब्लम क्या आई प्रॉब्लम ये आई साथियों कि जो आपका कॉमोडिटी है एसेंशियल है? है. अब होने के साथ साथ हम उसके डिमांड को देखते हुए भी प्राइस नहीं बढ़ा सकते जो इन्फ्लेशन वाला केस आता है वो हम नहीं कर सकते क्योंकि यहां गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो जाएगा ठीक है तो गुजरात में ही ऐसा क्यों है क्योंकि अगर साथियों अगर आप डेटा की बात करेंगे तो जो सॉल्ट प्रोडक्शन है इंडिया में ना उसमें टॉप पे गुजरात ही आता है तो गुजरात आपको 80 परसेंट सॉल्ट क्या सॉल्ट क्या करता है प्रोड्यूस करता है अब आप ये सोचो साथियों 80 परसेंट दुनिया की सॉल्ट प्रोडक्शन गुजरात में होती है और गुजरात में अगर जॉब जाएगा सॉल्ट प्रोडक्शन इंडस्ट्री में तो कितना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है आने वाले टाइम में एक तो वैसे ही डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है अलग क्राइसिस मचा हुआ है इसमें इस केस में भी सॉल्ट को देखते हुए जबकि सॉल्ट एक बेसिक एलिमेंट है कोई आदमी लहसुन प्याज नहीं खा सकता कोई आदमी ये तर्क दे सकता है कि मैं प्याज नहीं खाता या मैं प्याज नहीं खाती हूँ लेकिन कोई आदमी ये नहीं बोल सकता कि मैं सॉल्ट नहीं खाता हूँ क्योंकि अगर सॉल्ट पूरे दुनिया में भी कोई नहीं खाते होंगे ना तो वो जीरो 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 पॉइंट वन परसेंट पीपल होंगे जो सॉल्ट नहीं खाते होंगे चाहे वो कोई और बेसिकली भारत में ही वो लोग होंगे जो सॉल्ट नहीं खाते होंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमारे जैसे हिंदू धर्म में क्या है कि जो मतलब आपके पंडित हैं या ये हैं जो सॉल्ट नहीं खाते हैं हो सकता बहुत लोग सॉल्ट भी त्याग देते हैं तो वो लोग को अगर कंक्लूड कर देते तो वो कितने होंगे जीरो 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 पॉइंट वन परसेंट भी नहीं होंगे वो लोग तो एक सॉल्ट एक बेसिक एलिमेंट है जो पूरे भारत वर्ष में सबको खाता है और हमारा सॉल्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है क्योंकि जो आपको पता है साथियों जो आपका सत्याग्रह मोमेंट चला था नहीं नहीं सॉरी डांडी मार्च नॉट सत्याग्रह मोमेंट डांडी मार्च उसमें भी हमारे जो सॉल्ट को लेकर गांधी जी के द्वारा विवाद उठाया गया था कि सॉल्ट के दाम इतने क्यों और हमारा सॉल्ट इतना कम प्रोडक्शन है और ऊपर से जो प्रोडक्शन होता था वो क्या करते थे अंग्रेज बाहर भेज देते थे अपने देश में भेज देते थे तो उस चीज को लेके विवाद हुआ था क्योंकि उस समय भी क्या था ना कि उस पे वसूली बहुत ज्यादा करप्शन था सॉल्ट वाले केस में अगर आपने बहुत बार कहानी पढ़ा होगा एक मुंशी प्रेमचंद की कहानी है नमक का दरोगा करके तो उसमें भी वो दिखाया गया है कि जो सॉल्ट का जो आवाजाही होता था उसके चेक पोस्ट पर जो करप्शन की Uh, सीमा थी मतलब वो बहुत ही मतलब पार हो चुकी थी ऐसा नहीं था कोई लिमिट है उसका बहुत ज्यादा करप्शन था तो एक नमक से हम लोग बहुत जुटे हुए हैं और नमक बहुत ही बेसिक एलिमेंट है इसलिए ये टॉपिक पढ़ना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हम यूपीएससी में नहीं भी आएगा फिर भी लेकिन ऐसे टॉपिक्स आते हैं अगर नहीं भी आएगा तो एक आपको जानकारी मिलेगी कि सॉल्ट का इम्पोर्टेंस क्या है सॉल्ट के करंटली कंडीशंस क्या चल रही है इंडियन मार्केट के अंदर में क्योंकि आप जो रोजमर्रा की चीजें यूज करते हो उसका एटलीस्ट आपको करंट स्टेटस पता होना चाहिए ताकि आप अपने फ्यूचर को अपने फ्यूचर नहीं अपने देश के फ्यूचर को सिक्योर कर सको एटलीस्ट ओके okay? तो गुजरात मैंने बताया कि सबसे ज्यादा सॉल्ट प्रोडक्शन करता है पूरे भारत में अंदर ये 80 परसेंट जो सॉल्ट प्रोडक्शन होता है भारत का वो गुजरात के अंदर में ही होता है दूसरी बात इसको लेके विवाद चला विवाद इसलिए चल रहा है क्योंकि मैंने कि बताया कि डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन प्राइस भी हम नहीं बढ़ा सकते तो यहाँ पे जो इस इशू है मेन वो क्या है मैं बताऊंगा अभी आगे फिलहाल अभी मैं बता देता हूँ कि वो इशू एम को लेके है ओके दूसरी बात जो आपके सॉल्ट मैन्युफैक्चरर इंडिया के एसोसिएशन के जो पर्सन है उनके द्वारा पीएम को ये कहा गया कि सॉल्ट जो है ना सब्जेक्ट टू सेंट्रल है ओके okay? सेंट्रल का मतलब बोल रहा? क्या है केंद्र सूची का मामला है दूसरी बात जो सॉल्ट है वो यूनियन लिस्ट के अंदर में फिफ्टी एट नंबर पे और कॉन्स्टिट्यूशन का जो है सेवन शेड्यूल का पार्ट है तो इस चीज को आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते ओके okay? तो ये चीजें आ रही है सामने निकल के तो जो इनपुट कॉस्ट है और आउटपुट कॉस्ट है ये क्या है देखो ये जो है ना साथियों ये करंट स्टेटस बता रहा है सॉल्ट का अब ये करंट स्टेटस क्या है कि देखो यहां कह रहा है कि इनपुट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द लेबर इज अबाउट वन लैक इन द सीजन प्रोजेक्ट जैसे रन शोर ओवर प्रोजेक्ट सब रन कर रहे हैं उसमें क्या है फिर पांच हजार स्क्वायर किलोमीटर तक एरिया के अंदर में जो लोग हैं वो पचास हजार पीपल क्या हो जाएंगे जॉबलेस हो जाएंगे अगर हम अभी इसको कंट्रोल नहीं किया क्योंकि जो जो कॉस्ट है कब एक बिजनेस रन करता है कोई जो बिजनेस पढ़े हैं उनको या नहीं तो एक मामूली से तो बिजनेस का भी उनके पास होता ही है देखो मैं क्या कह रहा हूं समझो एक बिजनेस कब रन करेगा जब एटलीस्ट वो कॉस्ट को कवर कर सके ओके जितना वो बना रहा है अगर उसकी लागत ही आ जाए उतनी प्रॉफिट तो सेकेंडरी मोटिव है पहले तो लागत ही आ जाए अगर लागत नहीं आएगा तो उसका बिजनेस क्या चलेगा नहीं चलेगा उसका बिजनेस बंद हो जाएगा तो यहां पे यही केस दिखाया जा रहा है ना कि एक तो आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डाल के रखा है दूसरी बात आप इसको लेके जो प्रोडक्टेड लैंड है यानी जहां पे सॉल्ट निकाला जा सकता है वहां का अभी तक तो परमिशन नहीं है ऊपर से जहाँ परमिशन है वो बहुत ही छोटा है ओके मतलब स्क्वायर फीट में वो काफी छोटा है तो ये सब इशू सामने आ रहा है लेके इसलिए यहाँ पे विवाद खड़ा हो रहा है सॉल्ट को लेके और ये पॉलिटिकल इशू बनने जा रहा है आज नहीं तो कल आप इससे भी न्यूज में देखोगे क्योंकि नमक एक बेसिक एलिमेंट है इस इसपे विवाद हो सकता है तो इस चीज को ध्यान में रखना है ओके तो हमारा काम विवाद देखना नहीं हमारा काम है समझना कि इशू क्या है तभी आप जाके क्या कर सकते हो अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग कर सकते हो और दूसरी बात कल को आप आई एस बन जाओगे तो क्या आप आई एस इसलिए थोड़ी बन रहे हो क्योंकि आपको एक नौकरी चाहिए अगर आपको सिर्फ नौकरी ही चाहिए रहता है तो आपको नौकरी कर लेते फिर आप आई क्यों बनना चाहते हो आप आई इसलिए बनना चाहते हो क्योंकि आपको आई ए एस देश में जो चल रहे प्रॉब्लम्स हैं उनको बदलना है ओके तो आप देश के प्रॉब्लम्स को अगर इग्नोर कर दोगे ये सोच के कि यह तो पेपर का पार्ट नहीं है ओके okay, तो ये चीज मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये देखो एक तो सॉल्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है यूनियन लिस्ट में फिफ्टी एट नंबर पे आता है और सब्जेक्ट टू सेंट्रल है तो ये आप इग्नोर नहीं कर सकते ओके okay? तो इशू क्या है साथियों अब आते हैं इशू वाला मुद्दा पे कि मुद्दा चल क्या रहा है आपको तो पहले मैंने ओवरव्यू दे दिया कि सॉल्ट का कितना प्रोडक्शन है भारत के अंदर में कितना अभी डिमांड है फिर सप्लाई कम है ये तो मैंने ओवरव्यू दिया अब मैं बताऊंगा एक्चुअली इशू चल क्या रहा है

जो सॉल्ट प्रोडक्शन हो रहा है यार ये समझो सॉल्ट जो आप प्रोडक्ट कर रहा है तो जहां नमक बन रहा है आप तो वहीं से नमक लेके नहीं ना आते आप तो आते हो दुकान से नमक लेके दुकान तक आने वाली सारी लागतें बढ़ रही हैं तो हमारी एमएसपी दो हमें एमएसपी दो यहां पे मांग हो रही है एमएसपी की तो ये नोट नो डाउन करना अपने कॉपी के अंदर में कि पहला जो आ रहा है फैक्टर इशू का वो ये आ रहा है कि जो सॉल्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें एटलीस्ट आप एमएसपी दो ताकि हम क्या कर सके अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू रख सकें हमारा एसेंशियल जो मार्केट कंडीशन है वो बहुत खराब चल रहा है क्योंकि प्राइस जो है बहुत ज्यादा कम है ठीक है तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से ये मांग की जा रही है कि आप हमें क्या दो सॉल्ट पे एमएसपी दो दूसरी बात यहाँ पे कोई भी प्रॉपर वेजेस सिस्टम नहीं है ये एक वेज सिस्टम जैसे होता है कि वेज सिस्टम समझो जैसे कि अगर हम कहते हैं कि एक मजदूर ये करता है घर बनाता है तो उसकी पर डे की इनकम क्या हो सकती है लेकिन सॉल्ट के केस में ऐसा नहीं है सर सॉल्ट के केस में आपका जो ये है वेजेस है वो फैक्टर मार्केट पे डिपेंड करता है फैक्टर मार्केट फैक्टर मार्केट मतलब जैसा मार्केट में कंडीशन है वैसा ही डिपेंड करेगा अभी देखो अब इधर महंगाई भी चले या सस्ता हो अगर लेबर का दाम तीन सौ पर दिन का है तो वो तीन सौ रुपए लेगा ठीक है तो ये चीज मैं कर रहा हूं कि यहाँ वेजेस है साथ में साथ सोशल सिक्योरिटी नाम की भी क्या है कोई चीज नहीं है जो उसके लिए काम कर रहे हैं अब देखो सॉल्ट एक एसेंशियल है उसके अंदर जो काम कर रहे हैं ना उनकी कोई सिक्योरिटी है ना कुछ है मतलब एक फैक्ट, एक फैक्ट ऐसी चीज जो आपका बेसिक एलिमेंट है और उसके होने वाले फैक्टर्स को आप इस तरह नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ये सरकार से मांग की जा रही है कॉस्ट की मैंने बात कर दी कि कॉस्ट जो है साथियों इस केस में जो है फार्म, एक फार्मर जब सॉल्ट उगाता है तो वो 250 से लेकर तीन रुपए कमा लेता है टन में ओके हर एक टन लेकिन इसकी प्राइस जो है ना फ्लक्चुएट होती रहती है फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है साथियों कि कभी प्राइस बढ़ गया कभी सौ पचास रुपए कमा लिया कभी तीन सौ नहीं कमा पाया कभी तीन रुपए कमा लिया कभी तीन रुपए भी नहीं कमा पाया तो ऐसे प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण उसे मार्केट में सर्वाइव करने में प्रॉब्लम हो रहा है ओके दूसरी बात इस इसमें पॉलिटिकल इशू बन रहा है पॉलिटिकल इश्यू इसलिए सॉल्ट क्या है चीपेस्ट कॉमेडिटी है हालांकि चीपेस्ट सस्ता है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बिना सॉल्ट खाए आप जीवित नहीं रह सकते मैं गारंटी ले रहा हूं क्योंकि सॉल्ट एक बेसिक एलिमेंट है आप सोचो कि कोई भी आप सब्जी खाओ या खाना खाओ उसमें सॉल्ट पड़ता है अब आप बोलोगे कि, कि मैं बिना सॉल्ट के खाना खाऊंगा आप तो एक दिन दो दिन खा लोगे बिना सॉल्ट के पूरे सप्ताह तो बिल्कुल आप खाएं आप पागल फील करोगे बल्कि अरे बाप रे मैं तो पागल हो जाऊंगा यार क्योंकि मैं तो पर्सनली बोल रहा हूं मैं तो सॉल्ट के बिना नहीं रह सकता मतलब एक दिन भी अगर मम्मी ने बोल दिया कि चलो फास्टिंग रखो कि हाँ फास्टिंग है या ये है सोल्ट कि चलो काम चला लो तो मैं उसमें भी रात के नौ बजे तक रखता हूँ उसके बाद फिर मैगी खा के उसे तोड़ देता हूँ तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद इस पर पॉलिटिकल इशू बनाना और जो एक्चुअल फैक्ट है उसको नेगलेक्ट कर देना ये तो पॉलिटिकल इश्यूज का शुरू से काम है कि जो फैक्ट है उससे कैसे मोड दिमाग हटाना है तो इसको इशू बना दो इशू बना दोगे तो अपने आप क्या होंगे फैक्ट से जो लोगों के ध्यान है वो हट जाएंगे दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि भारत जो है ना सॉल्ट मैन्युफैक्चरर पे तीसरे नंबर पे आता है ये सब जो फैक्चुअल सॉरी यार माइक एक्चुअली मैं जहां बैठा हूं ना तो वहां पे थोड़ी थोड़ी हवा भी चलती रहती है तो माइक मैं जो रखता हूँ वो काफी स्मूदली उसपे रखता हूँ ताकि उन्हें देना बट ये भी नहीं जाता है एक ना यार मेरे को एडजस्ट करने तो माइक तो जो भी मैं फैक्ट वाली बात करता हूं जैसे इस पे MSP की मांग हो रही है या थर्ड लार्जेस्ट है ऑफ प्रॉपर सिस्टम है तो ये सब पॉइंट को आप नोट डाउन करो मैं कुछ सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं सुनाते रहता हूँ ना जिसका बोलता हूँ फूल ले लो हाथ में सुनते रहो यार कोई भी चीज पढ़ा रहा हूँ ना तो उसको ध्यान से पढ़ो एक एक चीज को यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है सॉल्ट का अब आप जो एस की तैयारी कर रहे हैं जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं उनको तो ये सब सवाल आराम से आएंगे एनसी के अंदर में ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन कौन सा है जो बिल आ, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनकी उनमें तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा तो ऐसे यार जरूरी नहीं है कि आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो ना तो आपका उसमें ऑलमोस्ट सारे एग्जाम का प्रिपरेशन होता है तो दैट्स वाई यू पी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रीसियस एग्जामिनेशन जो इसकी तैयारी करता है ये उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उससे अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो इस दुनिया का दूसरा एग्जाम हो सकता है क्योंकि ये यूपीएससी की डिमांड इतनी ह्यूज है ओके तो इसे इग्नोर मत करो यार इसे जो मैं पढ़ा रहा जो वर्ड्स बोलता, बोलता हूं उसको स्टार बना के अपने कॉपी के अंदर में नोट डाउन कीजिए दूसरा इशू सब्जेक्ट बता दिया मैंने कि सेंट्रल इशू है फिर भी इस पर कोई विवाद नहीं चल रहा है ओके विवाद मतलब यहाँ पे कोई निष्कर्ष बोल सकते हैं विवाद तो चल ही रहा है बट निष्कर्ष नहीं निकल रहा है उसके बाद लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हमारा एरिया ऑफ जो कल्टीवेशन है उसी का सही से प्रॉपर कोई एलोकेशन नहीं है कितना एरिया कल्टीवेट करना है कितना डिमांड है क्या है कोई मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है बस चलते जा रहा है नमक का प्रोडक्शन वहां से हो रहा है तो हो रहा है बस चलते जा रहा है उसी तरह क्लाइमेट क्लाइमेट देख लो आज कितना बड़ा इशू बन चुका है एक तो आपका रेन्स फ्लड आने के कारण बहुत सारी बर्बाद हो जाती है तो इससे क्या है कि न, जो नमक की खेती जिससे इफेक्ट हो रही है वो सब इशू को आप इग्नोर नहीं कर सकते तो सेंट्रल से बेसिकली दो चीज की डिमांड की जा रही है एक तो आप इस पर एम दो अगर एम नहीं दे सकते तो हमें प्राइस बढ़ाने की इजाज़त दो प्राइस बढ़ाने की इजाजत नहीं दे सकते तो आप हमने कॉस्ट को कम करने की कोशिश करो या फिर कुछ ना कुछ इस पर निष्कर्ष निकालो पर निकालो अगर अभी नहीं निकाला तो आज से आने वाले एक साल के अंदर में पांच लाख लोग अपनी नौकरियां खो देंगे सॉल्ट सेक्टर के अंदर में अब मान के चलो हमारे पास पैसा ही नहीं है तो मेरे अंदर जो काम कर रहे हैं एक प्रॉपर देखो यहां मैंने क्या बोला कि लैक ऑफ प्रॉपर वेजेस सिस्टम अब कोई वेज सिस्टम ही नहीं है और ना सोशल सिक्योरिटी है तो कल को उन्हें निकालना पड़ेगा उनकी नौकरी खतरे में आएगी एक तो वैसी बेरोजगारी और बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो इसीलिए इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते ये चीज बेसिकली निकल के सामने आ रहे हैं अब मेजर सॉल्ट प्रोडक्शन सेंटर्स कहां कहा है भारत के अंदर में एक तो सी वाटर के अंदर में होता है ओके okay. दूसरी बात मैराइन सॉल्ट अंदर इमेराइन सॉल्ट में आपका आ गया गुजरात के अंदर आ गया उसके बाद महाराष्ट्र आ गया वेस्ट बंगाल आ गया तमिलनाडु आ गया उसके बाद इनलैंड सॉल्ट वर्क जहाँ पे काम हो रहा है जैसे राजस्थान उसके बाद कर्च प्रोजेक्ट चल रहा है रन ऑफ कर्च का प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बाद रॉक सॉल्ट जैसे आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर में ये सब क्या है मेजर सॉल्ट आपका प्रोड्यूसिंग सेंटर है भारत के अंदर तो ये सब चीज है मेन्स का कोई सवाल नहीं लाया लेकिन मेन्स का सवाल यही ले लो आप कि जो इशू है ओके इशू है सोल्ट को लेके वो क्या है दूसरी बात आपको ये भी पढ़ना है कि इसके इससे आपको इसमें कंक्लूजन देना है ओके okay? मैंने इशू बता दिया अब मैं थोड़े से पैटर्न में आज चेंजिंग कर रहा हूं कि मैंने इशू बताया आपको अभी स्टार्टिंग में सारे इश्यूज बता दिए क्या है कि सेंटर अब आपको इससे कंक्लूजन देखना है कल क्योंकि कंक्लूजन आप इसलिए दोगे क्योंकि कल को आप क्या बनोगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनोगे ओके okay? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनोगे तो आपसे जब कंक्लूजन मांगा मांगा जाएगा तो आपको कंक्लूजन दोगे ना तो उस तरह आप कंक्लूजन दोगे तो इसलिए आप इस एक कंक्लूजन दो कि आप एज आप एन अपने आपको समझो डीएम क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो ना तो आप समझो कि आप आई बन गए नाउ यू आर एन आई ऑफिसर आप समझ ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है किसी को कि मैं आई एस हूँ आप समझ लो कि मैं आई एस और ये जो सारी प्रॉब्लम आ रही है ये मेरे पास आ रही है एंड देन राइट और इसके बाद जब आप लिखोगे ना तो आप दिल से लिखोगे मैं गारंटी ले रहा हूं ओके okay, तो ये सब चीजें ध्यान में रखना दूसरी बात बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लास मैंने ले रखी है जाके आप देख सकते हैं और भी किसी टॉपिक पे क्लास चाहिए तो लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तब तक के लिए अपना रखें धन्यवाद जय हिंद जय भारत